मिलिंद देवड़ा द्वारा बनाए वीडियो से कांग्रेस का कुछ भी संबंध नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने किया खुलासा। मुंबई के दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदार संघ से कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने प्रचार के लिए एक वीडियो ट्वीट किया था। उसमें मुकेश अंबानी मिलिंद देवड़ा के लिए चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। इस वीडियो से कांग्रेस का कुछ भी संबंध नहीं होने का खुलासा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। श्री सिंघवी ने फिर कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को उसका प्रचार करने का अधिकार है। मिलिंद देवड़ा ने व्यक्तिगत प्रचार के लिए यह वीडियो बनाया होगा, लेकिन इस तरह की कोई भी वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बनाया गया है। चुनाव आयोग के नियमानुसार सभी को अपना प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन पार्टी का इस वीडियो से कुछ भी संबंध नहीं है। उक्त अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव आशीष दुआ, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव जेनेट डिसूजा, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा, आनंद राजवर्धन मुख्य रूप से उपस्थित थे। This is a free country. Anyone can ask for votes in the name of anyone. As far as the Congress is concerned, as a party, it has nothing whatsoever to do with it. And we have fought many elections. We have won many elections. We have lost a few. We don't indulge in others any such tactic. Sir, Milind Deora ने अपने वेबसाइट पे मुकेश अंबानी का वीडियो लोड किया है। देखिए, मैंने आपको कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा है। मैंने बड़ा स्पष्ट कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा है। मैं कांग्रेस तरफ से बोलता हूँ, इस देश में किसी कैंडिडेट को स्वतंत्रता है। अगर वो चुनाव आयोग के नियमों का पालन करे तो किसी से वोट मांग सकता है, किसी का समर्थन ले सकता है। इसी प्रकार से किसी को भी स्वतंत्रता है कि वो अपना समर्थन किसी को दे सकता है कानून की परिधि के अंदर। लेकिन न मैंने ऐसा वीडियो देखा है, न मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता हूँ। लेकिन कांग्रेस का अगर कोई ऐसा वीडियो है तो उससे कोई सरोकार नहीं है। न कांग्रेस ने बनाया है, न कांग्रेस समर्थन किया उसका, न कांग्रेस का है। इंडिविजुअल जो करते हैं उससे हमारे से क्या मतलब है? उसके लिए आप चुनाव आयोग के नियम है। सर, राज ठाकरे महाराष्ट्र में कई जगहों पर सभा ले रहे हैं और अमित शाह क्या लगता है कि राज ठाकरे की सभाओं पर किस तरह कितना फायदा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस आपने देखा किसी रूप से परोक्ष या सीधे रूप से उनके साथ गठबंधन में नहीं है। ये देश एक गणतंत्र लोकतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना मत रखने के लिए और वोट मांगने या किसी को वोट नहीं देने के लिए प्रचार करने के लिए। मैं समझता हूं कि मोदी जी और अमित शाह जी की 5 वर्ष के अल्प कार्यकाल ने सभी पक्षों को इतना निराशाजनक बना दिया है कि देश के विभिन्न पक्ष, एक पक्ष नहीं है, कोने कोने के पक्ष हैं जो उनके विरोध में खड़े हैं। ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इससे बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सही पहचान हो जाती है कि कितने पक्ष हैं उनके विरुद्ध खड़े हैं। जिस तरह की चर्चा हो रही है, जैसे राज ठाकरे इतनी सभाओं में मोदी को विरोध कर रहे हैं पर कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही है? अगर इस तरह के कांग्रेस ने अगर सबूत के लेकर पिछले 5 सालों से इस पूरे देश में कांग्रेस लगी है इस काम में, और कौन कर रही है? See, that's an interesting question. Of course, I don't speak for that party, you have to ask that party. But there are 2 very interesting facets which are being missed out. This party, which gives sermons on clean politics, is the most hypocritical, double-voiced party. Here is a person who stands charged and is under proceedings under the Unlawful Activities Act. Now, for those of you who don't know what the Unlawful Activities Act is, it is a direct replacement of TADA. It's a different version of TADA. Now, here is a person against whom charges Kwe Makoka were no doubt dropped, but they continue under the UAPA. She may be on bail, but a person charged with such serious offenses of such a serious nature to be set up by a candidate, by a party which never ceases to give sermons on national security to the country, which never ceases to talk of fake nationalism, fake patriotism. Well, you can draw your own conclusions how serious they are about it. This is a person charged under law.
So one of the reasons why she was given bail is because of her health condition. Therefore, you know, there's a big complaint that has been filed with the EC saying... My dictionary meaning of health does not match either Sadhvi Pragya's or the BJP's. Obviously, she's unwell enough to be in jail, but she's well enough to campaign in Bhopal. Good luck to dictionaries. देखिए मैं तो कभी भी किसी भी रूप से अपशब्दों का या इस प्रकार के हथकंडों का समर्थन नहीं करता, न कांग्रेस पार्टी करती है। आपको याद होगा कि जब आपके विषय में भी कुछ जूते फेंके गए थे तो हमने निंदा की थी, यदि भी हमारे वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। तो इसलिए ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में द्वेष की राजनीति, आपसी विभाजन की राजनीति, भड़काने की राजनीति और वैमनस्य से फैलाने की राजनीति फैलाई है। हम तो फिर भी निंदा करेंगे ऐसे। देश में सत्ता परिवर्तन होगा? मुश्किल से 2-3 हफ्ते बचे हैं। निश्चित आपके सामने जो लोग ये भाग रहे हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से बरगला रहे हैं और इन मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनको भी निश्चित पता है कि देश में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए वो इन लोगों की बात कर रहे हैं। एक भी मेरे वाले मुद्दे की बात नहीं कर सकते वो। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।